अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दुनिया रखतार और आप देख रहे हैं सैटेलाइट डिश टिप्स माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस सैटेलाइट की अपडेट बताने जा रहा हूं वो है इंटेल सेट 1766 ईस्ट सी बैंड। दोस्तों, 7 फीट की डिश पर इसको सेट कर दिया है। स्ट्रॉन्ग टीपी कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप डिश की सेटिंग चेक कर लें, LNB की पोजीशन चेक कर लें आप, इस तरह रहेगी। ये देखें, उसके बाद साइड का व्यू भी मैं आपको चेक करा दूं डिश का। ये देखें, इस तरह रहेगा। तो डिश की सेटिंग आपने देख ली, अब चलते हैं LCD की तरफ। तो फ्रेंड्स, LCD की तरफ हम आ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग टीपी आप देख सकते हैं आपके सामने है, और यहाँ पर आज एक स्पोर्ट्स का चैनल फ्री में चल रहा है, वो कौन सा है वो मैं आपको चेक कराऊंगा स्कैन होने के बाद। तो स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर मैं इसको ब्लाइंड स्किन पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सुपर ब्लाइंड का ऑप्शन ऑन नहीं करते, यहाँ पर भी नो रहने देते हैं। सबसे पहले टीपी स्कैन होगी, उसके बाद चैनल लिस्ट आएगी। तो स्कैन होने के बाद दोस्तों मैं आपको चैनल लिस्ट चेक कराऊंगा। तो दोस्तों, टीपी स्कैन होने के करीब है, 14 TP ऐड हुए हैं। देखते हैं कुछ और TP बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले इस सैटेलाइट पर आपको कुछ चैनल पावर वीयू पर मिलते थे। देखते हैं जी वो पावर वीयू पर हैं या नहीं है, अगर हैं तो चलते भी हैं या नहीं चलते, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। 14 TP, उसके बाद चैनल लिस्ट आपके सामने स्कैन हो रही है। टोटल इस बॉक्स में 15 TP ऐड हैं, तो 14 TP रिसीव हुए हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह के वक्त इस सैटेलाइट को लगाते हैं बड़ी डिश पर तो आपके पास सिग्नल क्वालिटी भी बेस्ट आएगी, और इससे ज़्यादा चैनल लिस्ट रिसीव हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट दिन में कुछ और होता है, सुबह के वक्त और होता है, और शाम में कुछ और होता है। तो स्कैन होने के बाद मैं आपको इसकी चैनल लिस्ट चेक कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्कैन कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको इसके चैनल चेक करा दूँ। सैटेलाइट कर लेते हैं अलग। तो सबसे पहले ये देखे, पावर वीयू का चैनल मौजूद है। ये देखें, ये चैनल पावर व्यू पर तो मौजूद हैं, लेकिन ये चैनल देखते हैं जी चलते भी हैं या नहीं चलते। मेरे ख्याल से तो नहीं चलने वाले, क्योंकि की अपडेट नहीं हो रही। चलो जी, और चैनल चेक करा लेते हैं, बाद में चेक करेंगे। ये फ्री चैनल MBC TV, Music, CVR News, V6, iNews। तो दोस्तों, ये है वो चैनल, फ्री चैनल। ये देखे, बिल्कुल फ्री है। आपको मैं दिखा दूँ, ये USB एंटीना भी वाईफाई निकला हुआ है, ये ऐसे ही चल रहा है इस वक्त। और चैनल नहीं चल रहे, बस ये वन स्पोर्ट्स ही चल रहा है। तो और चैनल मैं आपको चेक करा दूं, यहाँ पर बहुत से चैनल आपको HD में मिलते हैं, ये देख सकते हैं चैनल लिस्ट। उसके बाद इस चैनल को देख लेते हैं जी। ये नहीं चल रहा, और चैनल Media 1, Studio 1 Plus, ये चेक कर लेते हैं, ये भी फ्री है। ओके जी।
अननेम के नेम से भी कुछ चैनल हैं। एमके ट्यून्स, उसके बाद एमके सिक्स, ये भी ओके। उसके बाद ये तो पैकेज के चैनल हैं। उसके बाद और कौन से फ्री चैनल हैं? तो 193 टीवी चैनल जी मुझे रिसीव हुए हैं 7 फीट की डिश पर। इनको चेक कर लेते हैं जी। ये देखें सिग्नल तो ओके हैं। कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, हो सकता है कि ऐड हो जाए। मैं इसके साथ यूएसबी एंटीना भी कनेक्ट कर दूं। सिग्नल क्वालिटी तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन पावर वीयू पर ये नहीं चल रहे। आपको पता चल गया होगा कि ये पावर वीयू पर अभी मौजूद नहीं है। लिखा हुआ तो आ रहा है लेकिन चल नहीं रहे। आप किसी वेबसाइट पर भी चले जाएं तो आपको पावर वीयू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ भी मिल रहा है लेकिन की नहीं ऐड हो रही। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।